अक्सर बच्चों को लेकर पेरेंट्स कभी कभी लापरवाही बरतते हैं। घर के बाहर खेलते वक्त ये भूल जाते हैं कि जिस जगह वो खेल रहे हैं वहाँ वो सुरक्षित हैं या नहीं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस पर नज़र रखना तक भूल जाते हैं, और दूसरी तरफ कोई ऐसा होता है जो उस लाडले पर नज़र गड़ाए होता है। बस मौके की तलाश होती है और यही लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती है, जिसके बाद अंजाम बेहद खौफनाक होता है। अब ये जरूरी नहीं कि बच्चे का किडनैपर कोई अजनबी हो। कई बार ऐसे लोगों का चेहरा सामने आता है जिनसे आप परिचित होते हैं, उन्हें जानते हैं, वो आपके घर आते जाते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है ये आप नहीं जान पाते, उनके इरादों को नहीं भाप पाते और वारदात आपसे होकर गुजर जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हरियाणा और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। आज हम आपको प्रदेश की बड़ी वारदातें फिर से दिखाएंगे कि कहां एक मासूम को अपहरण के बाद मौत के घाट उतार दिया गया, कहां एक शख्स ने दुखद कदम उठाते हुए पहले अपना बयान दर्ज किया, फिर सुसाइड के पीछे की पूरी कहानी उस बयान में बता दी। दिखाएंगे कि कैसे एक पंच को बेरहमी से शराब पिलाने के बाद दर्दनाक मौत दे दी गई। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बुजुर्ग दंपति के लिए बेटा और बहू सितमगर बनकर जुर्म ढा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के बड़े अपराध हम आपको विस्तार से बताएंगे, खबर के हर पहलू पर खास नजरिया दिखाएंगे ताकि सच आप तक पहुंचे। हम आपको सावधान करेंगे क्योंकि आपकी सुरक्षा ही हमारा सरोकार है। तो देखते रहिए सावधान हरियाणा, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जुर्म का झोंका किस घर के चिराग को कब बुझा दे ये किसी को नहीं पता। हम ये सोचते हैं कि घर के बाहर खेल रहा बच्चा सुरक्षित है, ये भूल मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, खुशियों को छीन सकती है। हरियाणा के असंध से जुर्म की ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई जिसने एक मासूम की हत्या कर दी। असंध के पोपड़ा गांव में 5 दिन पहले मासूम का अपहरण हुआ था और फिर उसकी पास में बनी मोबाइल दुकान से बंद बोरे में लाश मिली। पुलिस बच्चे को सकुशल बरामद नहीं कर सकी और दुख इस बात का भी है कि मासूम के गुनहगार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। असंध के पोपड़ा गांव में एक बच्चे की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 साल के बच्चे की लाश घर के पास ही एक मोबाइल दुकान से बरामद की गई। बच्चे की लाश एक बंद बोरे में थी। बच्चे का अपहरण किया गया था और जब फिरौती नहीं मिली तो उसकी हत्या कर दी गई। बस ये इसका अपना किस्मत नहीं लिख रखा था। किसने किडनैप करा था, कैसे पता लगा बॉडी का? सर जी वो अपना शटर के भीतर थी जी, वो लाश वो खून निकल रहा था जी। मैंने जब हमको पता लग गया मैं तो कोई बुल्ला है या कुछ भी उसका खोल कर देखवा। आपको किस पे शक है? सर मामला ये ना तो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है और ना ही किसी के साथ इनकी कोई दुश्मनी। अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट गुजारा कर रहे थे और बहुत ही दिनों बाद बहुत ही मन्नतों के बाद ये इन्होंने 4 लड़कियों के बाद ये लड़का मालिक ने इनकी जोड़ी में डाला और ये इतना दर्दनाक हादसा है कि पूरी दुनिया दहल जाएगी इस हादसे को देख के। तो कब से लापता है ये? 3 दिन से लापता सर, और हम तो यही गुजारिश करेंगे सरकार से भी। बच्चा सोमवार को खेलने के लिए निकला था लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो उसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच बच्चे को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती की मांग एक फोन कॉल के जरिए की गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच पड़ोस के एक दुकान से इलाके के लोगों ने खून निकलता देखा। लोगों को शक हुआ जिसके बाद दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल होने पर बच्चे की लाश बरामद की गई। दुकानदार का मालिक मनीष नाम का एक शख्स है। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करा दिया है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और तफ्तीश जारी है। हमारे असम थाना के इलाके में पोपड़ा गांव है, उसमें एक आर्यन नाम का बच्चा है, लड़का आर्यन नाम है, ठीक है। वो उसका परसों शाम को स्कूल जाने के बाद उसके पेरेंट्स ने बताया कि उसके बाद 3:30 बजे से ही गायब है। उनको कोई किसी का नाम नहीं दिया भी कौन ले गया या कुछ।
सो जैसे ही केस रजिस्टर किया और उसके बाद आगे तफ्तीश जारी करी तो तफ्तीश में एक दो कल्प्रेटों के नाम आए जिसमें, तो मुकदमा दर्ज कर दिया। और आज सुबह मैसेज आया कि वहाँ एक दुकान है पास में, उसके अंदर से कट्टे में डेड बॉडी मिली है, तो डेड बॉडी को लेकर उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, मुकदमा दर्ज है और जल्दी ही ट्रेस कर देंगे। बच्चे का परिवार गरीब है और दिहाड़ी कर परिवार का पेट पालता है। हत्या का आरोपी अब भी फरार है और पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है और हर बार की तरह दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। असंध से सरबजीत सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फिल्म काबिल का एक डायलॉग आपको याद होगा कि हर आत्महत्या के पीछे एक कातिल जरूर होता है। ये कहानी एक बार फिर चरितार्थ हुई गन्नौर में। एक ऑटो चालक ने सोमवार को मौत से पहले एक वीडियो बनाया और उसे YouTube पर डाल दिया और फिर दुखद कदम उठाकर फांसी लगा ली। पुलिस ने उसके 3 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्योंकि ऑटो चालक ने आत्महत्या, ये सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। कल रात जब मैं अपने काम से आ रहा था तब प्यारे का पोता सचिन और माडू का लड़का छोटा मोटू, इन्हों मेरे को रास्ते में पकड़ के पीट दिया। रात को फोन किया, पुलिस आई, कोई बात नहीं बोल के चली गई, पुलिस सुबह आएंगे, सुबह करेंगे बात। सुबह फिर मिला मेरे को लड़का, बोला ओए तने मेरे घर पुलिस को भेज दी। लड़के फिर मेरे उड़े चौक के मैं रेपटा मार दिया उसने कि जाओ जी हम 5 बारी 100 नंबर पर फोन करा, पुलिस को नहीं आई। के करें हम, क्यों कर करें हम, इस धरती पर मरना बढ़िया है, कोई जीना में जीना नहीं, खुददार आदमी जी नहीं सकता, कमीन जी जाएगा, जो इनके तवे चट्टेगा, दादा का कार कह के जी लेगा वो तो जी जाएगा और नहीं जीवगा कोई भी। मन को ना पसंद किसी के पाँव पकड़ने, हाथ जोड़ने, जिंदगी में आए एकलेर एकले जाओगे, कमा के खाया लेके दिया है, चोरी चकारी ना करी हमने, पर बेइज्जती कर दी इन लोगों ने हमारी, जिंदगी खराब कर दी आज, कोई भी आगे पीछे नहीं पाया, पुलिस वाले भी मन्ने दो गाल बक्के चले गए, कोई जीना मजीना नहीं इस समाज में पैदा हो गए, हमारी कोई जिंदगी नहीं। 5-6 साल पहले भी मेरे को धमकी दी गई थी, अब फिर मेरे को टॉर्चर करने लग रहा है। हम कमा रहे तो इनके लिए थोड़ी ना कमा रहे, अपने लिए कमा रहे हैं, हम अपने लिए कुछ करेंगे, इनके लिए करें, इनको खाने को पीने को दे दे तो ठीक, नहीं तो हम, इन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी। 2 बारी कल मेरे को तमाच मार दिया, सुबह फिर मेरे को तमाच मार दिया, रिपोर्ट करी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी। 2,500 रुपये 15 दिन पहले दिए उस बदमाश को, विजय को, मेरा ही नाम राशि है, बाप का नाम भी उसका रामचंद्र है, मेरा भी नाम रामचंद्र है, मेरे बाप का भी नाम रामचंद्र, मेरा नाम विजय, उसका भी यही है। उस आदमी को मेरे को यह भी बोल दिया, तो अपना बाप का नाम बदलवा, अपना नाम बदलवाना तो गांव से तेरे को भगा देंगे। क्या करें जी, किसको बोले, किसी को बोलेंगे फिर मरेंगे, नहीं बोलेंगे तब भी मरेंगे, इससे तो ठीक है जी, मैं अपनी खुद खुशी कर रहा हूँ जी, ठीक है। वीडियो को आप देखने और सुनने के बाद समझ चुके होंगे कि आखिर विजय नाम के शख्स ने आत्महत्या क्यों की। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये 3 युवक विजय के गुनहगार हैं। पुलिस ने सचिन, राजवीर और सुभाष को गिरफ्तार कर दिया है। टेम्पो चलाता था, वो कल परसों यहाँ खुबड़ू जाल पर आया था तेवड़ी गांव में, और उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले उसने अपनी आप बीती वीडियो रिकॉर्ड कर दी, वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी थी जो उनके परिवार वालों को उससे मिली थी, और खानपुर में उसको एडमिट कराया गया था, ड्यूरिंग एडमिट वो एक्सपायर हो गया था। आपको बता दें कि विजय टेम्पो चलाकर घर की रोजी रोटी चलाता था। दिल्ली के हरेवली गांव का रहने वाला विजय सोमवार को गन्नौर के खोबड़ू झाल पर टेम्पो लेकर पहुंचा और कीकड़ के पेड़ से फांसी लगा ली।
एक महीने से उसे परेशान किया जा रहा था, जिसका जिक्र उसने वीडियो में किया है। उसके भाई पवन ने एक कंप्लेंट दी थी कि भाई मेरे भाई को मैं आत्महत्या करने पर विवश करने हेतु उन्हीं के गांव के अरेवली गांव के तीन व्यक्ति थे जो उस संबंध में मामला दर्ज कर लिया था और तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद युवकों को हिरासत में ले लिया गया है और उनको न्यायालय में पेश किया गया। तीनों आरोपी भी हरवेली गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। तबंगई ने गरीब परिवार के चिराग को बुझा दिया, जिसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी थी। आखिर क्यों समाज में अभी तक लोग जात पात के नाम पर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? आखिर कब ये दकियानूसी सोच समाज से मुक्त होगी? सोच नहीं बदली तो समाज भी नहीं बदलेगा। ये तभी संभव है जब सोच बदले फिर देश। इंसान जाति से नहीं, कर्म और मेहनत से बड़ा बनता है। गन्नौर से आशीष मुदगिल, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हत्या जैसे संगीन अपराध पर सख्त कानून भले बना दिया गया हो, लेकिन इस संगीन अपराध पर पुलिस पूरी तरह अंकुश नहीं लगा सकती। कभी पुरानी रंजिश तो कभी कुछ और खून बहाया करती है। आपस में मनमुटाव कभी कभी ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाता है जहां जिंदगियां खत्म हो जाती है। पानीपत में भी एक पंच की हत्या के पीछे की कहानी कुछ ऐसी ही है। आरोप गांव के सरपंच सहित तीन लोगों पर है। क्यों हुई पंच की हत्या, इस रिपोर्ट में देखिए। पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी ये लाश पंच कृष्ण की है। पानीपत से पसीना खोरकर गांव में पंच की हत्या के बाद सनसनी है। बताया जा रहा है कि पंच कृष्ण को गांव का मौजूदा सरपंच महेंद्र का भाई सेठ पाल गांव के बलविंदर और बवाना के अनिल के साथ मिलकर घर बुलाकर ले गए। पहले कृष्ण को शराब पिलाई गई, जिसके बाद ट्रैक्टर से घसीटकर उसकी हत्या कर दी गई। सन कुमार सनोब लखीराम हमारी बुआ का लड़का है। हमारे को सुबह 5 बजे मैसेज मिला कि उसकी डेथ हो गई है, तो हम सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए वहाँ से भागे। तो इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रखी थी हमने। उसके शारीरिक हालत देखकर हमने उसको एक्सीडेंटल ना माना, हमने माना कि उसकी हत्या कर रखी है। वो कल 3 बजे वहाँ से बुलाया गया था घर से, और उसके साथ 3-4 आदमी गए थे, एक सेठपाल, एक बलिंदर सरपंच का भाई और एक गोले खेड़े गांव का। इन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रैली में हम गए थे और रोड से नीचे उतर गई और किसी आदमी को कोई चोट नहीं आई, और ये कहने लगे कि इसकी मौके पर हालत खराब, मौके पर ही डेथ हो गई। परिजनों का आरोप है कि कृष्ण को किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद शराब पिलाकर बुरी तरह पीटा गया, फिर ट्रैक्टर के नीचे फेंक कर घसीटा गया। कृष्ण की हड्डियां टूट गई। कृष्ण ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने अंतिम संस्कार कराने की भी कोशिश की, लेकिन सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ कोमल, ये कोमल लड़का है नूरवाड़ रहने वाला, इसने बयान दिया कि इसका जिज्जा कृष्ण कुमार सोम लखीराम गांव पिछड़ा खुर्द में रहता है, कि उसको तीन लड़के उसके जो साथी थे बलिंदर और ये सेठपाल जो उसी गांव के हैं, और एक बलिंदर का रिश्तेदार था लड़का अनिल सुनो मोलड, ये गांव बाल बाण रहने वाला है, ये उसको घर से करीब शाम को 4 बजे बुला कर ले गए थे, और उन्होंने अनाज मंडी में ड्रिंक किया इकट्ठे, और उनके एलिगेशन के मुताबिक उन्होंने इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे की वजह है सामने नहीं आ सकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तक कातिलों को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। कृष्ण के परिवार में मातम पसरा है। देखना होगा कि कातिलों तक खाकी के हाथ कब पहुंचते हैं। पानीपत से कुलवंत शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी संतान बुढ़ापे की लाठी बने,
परेशानी में उन्हें सहारा दे। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जिन बच्चों को माँ बाप लाड प्यार से पाल पोष कर बड़ा करते हैं, उनकी एक परेशानी माँ बाप के दिल पर भारी पड़ जाती है। वही बच्चे माँ बाप को ना सिर्फ रुलाते हैं, उनसे ज्यादती भी करते हैं। फतेहाबाद के एक बेटे पर ऐसा ही आरोप है। आरोप है कि बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग माँ बाप की पिटाई कर दी। बूढ़े माँ बाप एक कलयुगी बेटे से परेशान हैं। लेकिन आखिर क्यों एक बुजुर्ग माँ बाप की बेटा और बहू पिटाई कर रहे हैं, ये सुनने के बाद आप भी परेशान हो सकते हैं। पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, इस पड़ाव से हर किसी को गुजरना होता है। कायनात में कुदरती बदलाव आम बात है, लेकिन कोई ये समझकर किसी बूढ़ी जिंदगी को कुचलने लगे या उस पर अत्याचार करने लगे कि वो तो जवान है और जो कुछ कर रहा वो सही है, तो ये सोच बहुत बड़ी भूल है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में घायल हालत में पहुंची इस दंपति की कहानी दर्दनाक है। घायल हुकुमचंद और उनकी पत्नी वीरूबाई ने सपने भी नहीं सोचा था कि एक दिन बेटा ही उन पर सितम ढाहेगा, बुढ़ापे की लाठी ना बनकर उन पर लाठियां बरसाएगा। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि उनके बेटे हरवंश ने बहू के साथ मिलकर तेज धार हथियार से उन पर हमला बोला। हुकुमचंद का आरोप है कि उनका बेटा चोरी चकारी करता था, लिहाजा मना करने पर न सिर्फ मारपीट की बल्कि तेज धार हथियार से जानलेवा हमला तक कर दिया। बस ना को गरण बात मैं भी बैठे दे इनने आखा ना कर ओइने बैठे दे गा पाई गया। मैं तो पानी से बोर से पानी डाल गई। अच्छा की रोके ऐसी केस वास्ते रोके चोरी ना कर। अच्छा इनने बैठ पै गया। अच्छा अंदा हो तो नु हड्डियां तो जी मैं टूर करा मैं तो खावांगा। अच्छा तो दसो की मारे है जी? डांगा मारिया ने ते कापा मारिया, मेरे भी डांगा मारिया। घर में बुजुर्ग माँ बाप पर लाठी डंडों से कलयुगी बेटे ने हमला किया तो शोर सुनकर पड़ोसियों ने किसी तरह दोनों की जान बचाई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना ये होगा कि कलयुगी बेटे को सुधारने के लिए माँ बाप कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। जुर्म की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान के कदम अपराध के गर्त में पड़ते हैं तो रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। शादी का माहौल था, दूल्हे के दोस्त डीजे पर थिरक रहे थे और उसी वक्त चली एक गोली ने शादी के माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। जश्न कभी कभी भारी पड़ जाता है, कुछ बेमानी खुशियां माहौल को मातम में बदल देती हैं। पानीपत में हो रही शादी एक ऐसे ही दर्दनाक अंजाम तक पहुंचते पहुंचते रह गई। दूल्हे के दोस्त की बंदूक से निकली गोली एक बच्चे के पेट में जा घुसी और फिर पंडाल में सन्नाटा छा गया। आदियाना गांव में यह शादी समारोह चल रहा था, लेकिन शादी की खुशियां चंद सेकेंड में ही मातम में बदल गई। बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। शादी ब्याह के मौके पर फायरिंग करके अपना रुतबा दिखाने का जानलेवा शौक बदस्तूर जारी है। शादियों के खुशनुमा माहौल को ना जाने कितनी बार इस शौक ने मातम में तब्दील कर दिया है, लेकिन अब भी ये कुप्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक वाक्या पानीपत के गांव आदियाना से सामने आया। जब गांव में करहन से पहुंची बारात मंडप की तरफ जा रही थी, वहां पर फायरिंग की गई। बीच रास्ते में एक बाराती फायरिंग करने लगा, जिसके चपेट में एक बच्चा आ गया। मैं
मजदूर था जी, मैं मजदूरी करने जा रहा था जी। बच्चा का था जी, एक दूसरे बच्चे ने बनाने के लिए छोटे बच्चे का हाथ में दे रखी थी जी सिक्सर, उसने चलानी है नहीं जी। तो जी लड़का था जी, मैं बता रहा जी साथ में था सब उसके, बोले हम था आप रास्ते में घुमा रहे थे, बोले इसके एकदम लग गई आगे, इसने पेट पकड़ लिया से, बोले क्यों होया, बोले जी गोली लग गई, तो ये लग गया अपन फिर इसने पकड़ लिया जी सड़क में। घायल बच्चे को तुरंत एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां ऑपरेशन करके उसकी गोली को निकाल दिया गया है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पेट में लगी थी, जिगर के थ्रू जाके पीछे से निकली है, पेशेंट स्टेबल है, गॉड विलिंग ही विल कम आउट। जानकारी के मुताबिक अठेल गांव से आया राजेश अपने पिस्टल से फायरिंग कर रहा था, वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार की इतनी सख्ती और इतने कड़े नियमों के बावजूद ये जानलेवा शौक क्यों नहीं रुक रहा। पानीपत से कुलवंत शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। साइबर सिटी मतलब चकाचौंध, मतलब दिन रात दौड़ती जिंदगी, मतलब कमाने खाने वाला एक शहर। लेकिन इसी शहर में कुछ बदमाशों का राज चल रहा है, लूट की खबरें आम हो गई हैं, किसी को भी निशाना बना लिया जाता है, जब जी करे बदमाश लोगों की कमाई को लूटकर फरार हो जाते हैं। इस बार फिर से बदमाशों ने 3 लाख रुपए आसानी से लूटे, फरार हो गए। आरोप है कि कुछ बाइक सवार बदमाशों ने इस बार वारदात को अंजाम दिया। सोहना के तावड़ू घाटी रोड पर बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो कार से 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बढ़त के मुताबिक गाड़ी में डीजल खत्म होने की वजह से वो सड़क किनारे खड़ा था, इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक आए और कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे 3 लाख रुपए को लूट लिया। सोना से तावड़ू की तरफ जा रहा था, तो पहाड़ी में उसका फ्यूल खत्म हो गया गाड़ी का, तो गाड़ी को छोड़ के अपने दोस्त के साथ फ्यूल लेने के लिए नीचे आया, गाड़ी को वहीं छोड़ के उसका एक दोस्त और था वो गाड़ी से थोड़ी दूर चला गया, तो बाइक सवार आए और उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ के उसमें बैग रखा हुआ था जिसमें 3 लाख के आसपास पैसे बता रहा है वो ले गए। तो ये आदमी कौन थे, कहाँ से आ रहे थे सर? ये तावड़ू के रहने वाले हैं और ये पीछे फरीदाबाद साइड से आए थे, सोना में रुके हैं ये, काफ़ी देर खाना खाया इन्होंने और भी कई जगह रुके हैं, उसके बाद ये तावड़ू जाना बता रहे हैं। तो कौन सी धारा के तहत कार्रवाई हुई? 379B के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है, पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है, हर एंगल से इस केस को पुलिस जोड़कर देख रही है, साथ ही जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। सोना से संजय राघव, इंडिया न्यूज, हरियाणा। किसी की खुशियों को कब नजर लग जाए ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता लग जाए कि कोई ऐसा है जो उसकी खुशियों को छीनना चाहता है तो सावधान हो जाइए। एक छोटी सी लापरवाही कभी अपनों पर भारी पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा ही निकम्मा निकल जाता है, और दुश्मनों से ज्यादा दर्द वही देता है जिसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हर्ष फायरिंग मौत की वजह बन जाती है, इसीलिए हर समय हर पहर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार। Oh, my God.